क्यूटीज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज की वीडियो भी फादर्स डे स्पेशल होने वाली है, बट आज कुछ मैं यूनिक सा लेकर आई हूँ आपके लिए। आज हम केक्स वगैरह ट्राई नहीं करेंगे, ना ही कोई गिफ्ट आइडिया मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज मैं कुछ आपको यूनिक सा बताने वाली हूँ। अगर आप कोई केक्स नहीं बना सकते हो, केक आपको बिल्कुल भी ना बनाने आते हो, कुछ ईजी सा अगर आप बनाना चाहते हो ना फादर्स डे पर, अपने पापा को गिफ्ट करना चाहते हो, कोई स्पेशल रेसिपी बनाना चाहते हो, तो वो आप बना सकती हो। वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी आज की वीडियो में। और गाइस, ये DIYs करने के लिए ना तो आपको केक मोल्ड लेने की ज़रूरत है और ना ही आपको मार्केट से कुछ परचेज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप घर पर ही डिस्पोजेबल कप्स, जो वेस्ट डिस्पोजल कप्स होते हैं, उनसे भी आप ऐसी रेसिपीज़ बना सकते हो गाइस। और वैसे भी क्यूटीज़, अगर आप केक्स वगैरह बना के बोर हो चुके हो, कुछ यूनिक सा करना चाहते हो, फादर्स डे पर कुछ न्यू रेसिपी ट्राई करना चाहते हो, तो ये हैक्स है सिर्फ आपके लिए, आप ट्राई कर सकते हो। सबसे पहले इन्होंने डार्क फैंटेसी बिस्किट्स का यूज़ किया है। इन्होंने 18 बिस्किट्स लिए हैं और इसको अच्छे से क्रश किया है ग्राइंडर में, और 18 बिस्किट्स का इन्होंने यूज़ किया है। इसके बाद इन्होंने इसके अंदर डाला है बेकिंग पाउडर अबाउट 1 टीस्पून एंड 3/4 कप इन्होंने डाला है मिल्क, और इसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद इन्होंने यूज़ किए हैं डिस्पोजेबल कप्स, और इन्होंने 18 बिस्किट्स का यूज़ किया है 4 कप्स बनाने के लिए। और चारों के अंदर बैटर डालने के बाद इन्होंने बताया है या तो आपको डबल बॉयलर मेथड पे इसको 40 मिनट्स करना है, या फिर आपको इसको करना है ओवन के अंदर 40 मिनट्स के लिए बेक। तो गाइस, अभी मैं 2 ही टी कप्स बना के देखूंगी। तो 2 टी कप्स बनाने के लिए मैं यहाँ पर 9 बिस्किट्स का यूज़ कर रही हूँ। उन्होंने 18 बिस्किट्स लिए थे 4 कप्स बनाने के लिए। तो गाइस, अभी मैं 2 बना के देख रही हूँ और 9 बिस्किट्स मैं अच्छे से क्रश करने वाली हूँ। तो आप देख सकते हो 9 बिस्किट क्रश करने के बाद इसको हम निकालेंगे एक बॉल के अंदर। तो यहाँ पर गाइस, मैंने 9 बिस्किट्स का यूज़ किया है। अगर आप 4 बनाना चाहते हो तो आप 18 बिस्किट्स ले सकते हो। और इसके बाद आपको इसके अंदर डालना है बेकिंग पाउडर। तो 1 टीस्पून मैं इसके अंदर डाल दूंगी बेकिंग पाउडर, और उसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ मिल्क। तो मिल्क हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना हो। और गाइस, जो मैंने मिल्क लिया है, ल्यूक वार्म मिल्क लिया है, थोड़ा ठंडा मैंने मिल्क यहाँ पर यूज़ नहीं किया है ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी लम्स ना हो। थोड़ा सा मिल्क मैंने गर्म करके ही यहाँ पर यूज़ किया है। तो आप देख सकते हो बिल्कुल ऐसा बैटर हमें रेडी करना है, ना तो ये ज़्यादा पतला होना चाहिए, ना ज़्यादा ये गाढ़ा होना चाहिए। और थोड़ा थोड़ा करके आपको इसमें ऐड करते जाना है मिल्क और बनाना है थिक पेस्ट। डिस्पोजेबल कप्स तो आप जितने भी ले सकते हो, 2-3 जितने आप बनाना चाहते हो। तो मैं अभी 2 बना रही हूँ गाइस। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ग्रीस कर लूँगी अच्छे से। डिस्पोजेबल कप्स को ग्रीस करना है आपको अच्छे से, ताकि जो भी आप इसके अंदर बैटर डालो, जो भी केक बने, वो ईजिली बाहर आ जाए। तो आपको इसको अच्छे से ग्रीस कर लेना है थोड़ा सा ऑयल लगा कर, और जो बैटर हमने बनाया है वो हम डाल देंगे कप्स के अंदर। गाइस, मैंने यहाँ पर 9 बिस्किट्स का यूज़ किया था। तो आप देख सकते हो क्वांटिटी बिल्कुल 2 कप्स के अकॉर्डिंग इसकी बनकर रेडी हो चुकी है। तो आपको कप बिल्कुल 3/4 कप आपको फिल करने हैं। बैटर पूरा आपको ऊपर तक नहीं डालना है, ओनली 3/4 कप ही आपको फिल करना है। और इसको मैं प्री हीट ओवन पर बेक करूँगी 30-40 मिनट्स के लिए। ओके गाइस, तो इसको बेक करने के बाद इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आ रही है। आप देख सकते हो कितने प्यारे टी कप्स बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको बाहर निकाल के देखते हैं कि क्या ये अंदर से अच्छे से कुक हुए हैं या फिर ये कोई कच्चा रह जाता है गाइस। तो बाहर निकालने पर आप देख सकते हो, माय गॉड, बिल्कुल अच्छे से बाहर आ चुका है, बिल्कुल भी चिपका नहीं है कप के अंदर, और इतना स्पंजी सा बनकर रेडी हुआ है गाइस। बहुत प्यारा बना है ये, आप भी बना सकते हो। अब हम इसको डेकोरेट करेंगे, थोड़ी सी इसकी प्रेजेंटेशन करेंगे गाइस। तो इसको डेकोरेट करने के लिए आप कोई क्रीम का यूज़ भी कर सकते हो। बहुत ही स्पंजी, सॉफ्ट से स्पंजी से बने हैं गाइस, आप देख सकते हो बहुत सॉफ्ट बने हैं। तो इसको डेकोरेट करने के लिए आप थोड़ी सी व्हीपिंग क्रीम का यूज़ कर सकते हो, व्हीपिंग क्रीम आप इसके ऊपर लगा सकते हो, ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। तो मैं इसके ऊपर अबाउट 1 टीस्पून मैं इसके ऊपर मैंने लगा दी है व्हीपिंग क्रीम, और व्हीपिंग क्रीम लगाने के बाद इसके ऊपर आप कुछ भी गार्निश कर सकते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, जो भी आप गार्निश करना चाहते हो। चॉकलेट सॉस भी आप इसके ऊपर डाल सकते हो, और इसके ऊपर मैं थोड़े से कैंडी स्प्रिंकल्स ड्रिजल कर रही हूँ, आप कुछ भी डाल सकते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। तो आप देख सकते हो कितने प्यारे गाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छे टी कप्स बनकर रेडी हुए हैं। आप फादर्स डे पर ऐसे कपकेक्स बना सकते हो अपने फादर के लिए, अगर आप केक्स वगैरह नहीं बनाना चाहते। और ये यहाँ पर हमने डार्क फैंटेसी बिस्किट यूज़ किए हैं गाइस। अगर आप कोई और गुड्डे बिस्किट वगैरह यूज़ करना चाहते हो, वो बिस्किट्स का यूज़ भी आप कर सकते हो। अगर आपके पापा को चॉकलेट फ्लेवर नहीं अच्छा लगता
तो आप कोई और फ्रूट फ्लेवर वाले बिस्किट्स का यूज़ भी कर सकते हो ऐसे टी कप्स बनाने के लिए। तो आप देख सकते हो अंदर से भी ये पूरा कुक हो चुका है और इसका टेस्ट भी जब मैंने इसको ट्राई किया गाइस बहुत ही अच्छा टेस्ट था इसका, आप ट्राई कर सकते हो, बहुत प्यारा हैक है। कितने सॉफ्ट से बने हैं गाइस बिस्किट, यहाँ पर हमने चॉकलेट बिस्किट यूज़ किए हैं, आप कोई और बिस्किट यूज़ कर सकते हो जो आपके पापा को अच्छे लगते हों, वो वाले बिस्किट आप यूज़ कर सकते हो। ये हैक 100% वर्क करता है, आप ट्राई ज़रूर करना। नेक्स्ट हैक में उन्होंने कप लिया है, इसके अंदर फ्लावर डाला है, मिल्क डाला है, बेकिंग पाउडर डाला है और इसको 90 सेकंड के लिए इन्होंने किया है माइक्रोवेव और बनाया है डोनेट। तो ये हैक मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप ऐसे घर पर डोनेट्स ईजिली बना सकते हो माइक्रोवेव के अंदर। तो गाइस आप देख सकते हो सबसे पहले मैंने एक बोल ले लिया है, उसके अंदर मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून फ्लावर। तो 1 टेबलस्पून फ्लावर डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून शुगर, तो आप पाउडर शुगर का यूज़ भी कर सकते हो और पाउडर और ये भी बहुत सॉफ्ट बने हैं। आप ऐसे डोनेट्स बना सकते हो 90 सेकंड में, आप ऐसे डोनेट्स बना सकते हो और इसके बाद आप कोई भी आइसक्रीम स्टिक्स का यूज़ कर सकते हो इनको थोड़ा सा गार्निश करने के लिए। ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है, आप अगर आपके पास ऐसे स्टिक्स वगैरह नहीं हैं तो नॉर्मल स्टिक्स होते हैं उनको भी आप ऐसे लगा सकते हो डोनेट्स के अंदर और इसकी प्रेजेंटेशन कर सकते हो, जैसे भी आप डेकोरेट करना चाहते हो वैसे आप कर सकते हो। अगर आप इसके ऊपर कंडेंस्ड मिल्क लगाना चाहते हो तो कंडेंस्ड मिल्क या फिर चॉकलेट सॉस से भी आप इसको गार्निश कर सकते हो। तो ये हैक भी गाइस मुझे बहुत अच्छा लगा, अगर आप केक्स वगैरह नहीं बनाना चाहते तो आप ऐसे 90 सेकंड में डोनट्स बना सकते हो अपने पापा के लिए। लास्ट हैक में इन्होंने दिखाया है, जब भी हम कोई केक को डेकोरेट करते हैं तो सारा केक ख़राब हो जाता है, तो इन्होंने एक नेटेड क्लॉथ का यूज़ किया है केक को डेकोरेट करने के लिए, जिससे आपका केक ख़राब नहीं होगा और आप बहुत अच्छा डेकोरेट कर सकते हो। तो उन्होंने राउंड कलर का केक लिया था, मैं यहाँ पर स्क्वायर शेप का केक ले रही हूँ गाइज़, और ये मेरे पास लेसेस पड़ी थी मेरे घर पर, तो इससे मैं केक डेकोरेट करके देखती हूँ। आपके पास कोई और नेट का क्लॉथ हो तो वो आप यूज़ कर सकते हो, नेट की जैसे कोई आपके पास हैंकी होती है कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी राउंड शेप में अगर आपके पास क्लॉथ है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 2 नेटेड लेस मेरे पास पड़ी थी, इसके ऊपर मैंने रख कर इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ थोड़ा सा कोको पाउडर। उन्होंने ब्राउन कलर का केक लिया था, उसके ऊपर वाइट कलर की पाउडर शुगर स्प्रिंकल की थी गाइस, तो यहाँ पर मेरा केक वाइट कलर का था तो उसके ऊपर मैं कोको पाउडर मैंने स्प्रिंकल किया है ब्राउन कलर का। ओके गाइस अब देख सकते हो ये हैक भी वर्क करता है, आप ये हैक ट्राई कर सकते हो, मतलब सिंपल से केक को आप डेकोरेट कर सकते हो ऐसे कोई भी क्लॉथ लगा कर, कोई भी शेप में जो आपके पास हो वैसा आप लगा सकते हो गाइस, 100% वर्क करता है, ये हैक भी वर्क करता है।
एंड या गाइस ये थे हमारे आज के सिंपल से हैक्स। एंड गाइस अगर आप केक्स बनाना चाहते हो तो ऑलरेडी मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो, इसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। उसमें मैंने कुछ सिंपल से केक डेकोरेटिंग हैक्स आपके साथ शेयर किए थे, अगर आप वो ट्राई करना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो। अदरवाइज गाइस अगर आप केक्स वगैरह बनाना नहीं चाहते तो आप ये हैक्स ट्राई कर सकते हो, आप कप केक्स बना सकते हो, डोनट्स बना सकते हो। मुझे डोनट्स वाला हैक बहुत अच्छा लगा सच में। एंड आज की वीडियो में मैं जिन पर्सन्स को शार्ट आउट करने वाली हूँ उन पर्सन्स के नेम हैं माही, सामरा अली एंड मंजू। तो शार्ट आउट टू यू गाइज। और मैं आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस में मिलूंगी। बाय बाय गाइज।